इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में एक जुलूस निकाला गया कि भाई कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक वापस दो, 370 को बहाल करो। हमारा बांग्लादेश मुसलमान कश्मीर मुसलमान पक्षे आछी। सो इंडिया ने वंस अगेन दिखा दिया है एज टू हु इज द बॉस। हमारी दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज रेमंड जो है, उन्होंने घोषणा करी है कि हम लोग जल्दी ही हमारी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को शट डाउन करेंगे। इस खबर से बांग्लादेश की नई सरकार के लिए संकट की स्थिति बन गई है। अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स है, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। आप आए वापस पाकिस्तान में आ जाए, अपना नाम वापस मशरकी पाकिस्तान करें, बांग्लादेश से निकले, ये बहुत बड़ा अजाब और गुनाह है आपके ऊपर। ये जो बांग्लादेशी है ये बांग्लादेशी नहीं मानते, अपने आप को ईस्ट पाकिस्तानी मानते हैं। भीख मांगेंगे बांग्लादेशी, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि विदेशी खरीदारों का भरोसा बांग्लादेश से उठ गया। लेकिन जब उनकी इकोनॉमी का हाल भी पाकिस्तान के जैसा या उससे भी बुरा हो जाएगा तब शायद उनकी अकल ठिकाने आएगी। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ? बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब से इंडिया के अंदर जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा है तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 10-15% तो ग्रो हुई है। अब इसके आने वाले दिनों में चांसेस 25% तक लग रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इस पूरे खित्ते में अगर इंडिया की बात करें तो इतना जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म दुनिया को इंडिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑफर कर रहा है कि बांग्लादेश जो है जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था आज रो रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार। तो फायदा खुद ही होना है। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड अमेरिका वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बांग्लादेश है सिर्फ। तो अगर आप इसी इसको लेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता। हाँ। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप को बुरा नहीं कह रहा, हम लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले हमारे साथ ही वो चल रहे थे। हाँ। हम लोग ही उनको बनाने वाले हैं, हम लोग ही उनको चलाने वाले हैं। लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने ही मजबूर किया उनको, वो हिस्सा तो पाकिस्तान का ही था, हम हाँ, लोगों ने मजबूर किया है। तो 1971 हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत ख्वाऊँ। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ। कि जी फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है। ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे आगे। 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। आज हम लोगों ने कोई हीरो रहने दिया अपने मुल्क में? बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, एक दो दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे।
देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होगी, अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है, इनकी चाहे गारमेंट्स की है चाहे स्टील्स है जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बोरान आना है, पेट्रोल का बोरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं आया। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए, अभी इनका बुरान आना बाकी है। अच्छा। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास दो तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है, कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा तो सर, इंडिया से ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें, वो ये जाते हैं ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी, तो ये बड़ा मसला खराब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए, और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखे जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं, कोई साजिश थी स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दे रहा था। हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया, कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की, ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया हमने? हमारे हुकूमत जवाब देना, हाँ। एक जज्बा साडा जिहड़ा ना, हाँ। सिर्फ नारियां दे विच, हाँ, कोई होर काम नहीं हैगा सिवाय नारे तो अलावा।